ये अपने देश के उद्योगपतियों का अपमान करते हैं और विदेशी उद्योगपतियों और कंपनियों के जूते चाटने वाले इस तरह की बात। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक AK मिश्रा जुड़ेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक बार पूछती हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, रुक जाइए एक मिनट। AK मिश्रा जी, यहाँ पर जो करना था वो सरकार रहते हुए करना चाहिए था। अब यहाँ पर सांसद धरने पर बैठे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है? किसान को मास्टर जी बार बार कहते हैं कि हमें किसी का सहारा थोड़ा ही चाहिए, किसान से ज्यादा सशक्त कोई है क्या? देखिए, सारे किसान यूनियन ने बोल दिया है कि भाई हमारी प्रॉब्लम ये, हम बात करेंगे सरकार से, मुद्दा हमारे और सरकार के बीच में है, तीसरा कोई आदमी ना आए। तो ये लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला जबरदस्ती बिना कार्ड के शादी में पहुंच के डांस कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है, जब इनको करना था, जब इनका टाइम था, तब इन्होंने किया नहीं। अब सरकार और किसान मिल के एक समस्या का हल निकाल रहे हैं तो अपने घर से ये जो है स्काइप पे बैठ के टीवी डिबेट कर रहे हैं, कहीं संसद एसी रूम में बैठ करके अपने बंगलों में भाइयों के साथ बेइंसाफी मत कीजिए। आप ऐसा बिल मत लाइए जो पंजाब को बिहार बना दे, आप ऐसा बिल लाइए जो बिहार को पंजाब बनाए, बिहार के किसान भी खुशहाल हो, छोटे किसान के घर में खुशहाली आए, एपीएमसी मंडी में जाके सरकारी अनाज उसका भी सरकारी रेट पे बिक पाए। आप वो काम कीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक पकड़ लिया है, सरकार चाहती है कि पंजाब के किसान जो खुशहाल है, हरियाणा का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का जो किसान खुशहाल है, अब हम उसकी खुशहाली छीनेंगे और उसको कोई सरकार चाहेगी मिश्रा जी के उनके किसान बदहाल हो जाए? ऐसा होगा तो देश बदहाल होगा ना, ऐसा होगा देश बदहाल होगा, ऐसा क्यों? सिरसा जी को ये बताइए कि पंजाब के किसान इतने जो है समृद्ध हैं जो इन्होंने बोला, तो वहाँ की सरकार ने लागू किया नहीं। ये बिल है ही उन छोटे छोटे किसानों के लिए, यूपी बिहार और 27 स्टेट में जो है जिनके पास छोटी 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 खेती है, ये इन किसानों के लिए जो आत्मनिर्भर हो चुके हैं, जो मर्सिडीज से घूम रहे हैं सिरसा जी जैसे। सरकार तो चाहती ही है सीमांत किसानों का भला हो, मार्केट से उनकी कनेक्टिविटी हो। बिहार में तो पहले शायद समझ नहीं पा रहे बहुत से किसान। मुझे बताइए मिश्रा जी, ये कानून जब तक पूरी तरह लागू होगा, जब भंडारण के लिए व्यवस्था होगी, जब प्राइवेट प्लेयर्स पूरी तरह से मार्केट में आएंगे, तभी ये लागू हो पाएगा? क्योंकि वहाँ ये कहा जा रहा है कि किसानों को तो अभी भी आधे पे मिस। मैम देखिए, ये फ्यूचरिस्टिक अननोन फियर फैक्टर है, जो मैं कई बार बोला हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये अपने देश के उद्योगपतियों का अपमान करते हैं और विदेशी उद्योगपतियों और कंपनियों के जूते चाटने वाले इस तरह की बात नहीं। सुनिए, ये देख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार के आयात निर्यात के सिस्टम में कमी है। अब के जब मक्का हमारे देश में बहुत आती थी तो विदेश से मक्का नहीं मंगाई थी। लास्ट ईयर इन्होंने दाल विदेश से आयात कर ली, ये जो पहले चीनी आयात कर ली। आयात निर्यात का सिस्टम सुधार करना पड़ेगा। और नहीं नहीं नहीं, अगर मक्का हमारे देश में है, समय नहीं है, मोहित मैं सुन पा रही हूँ आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के कारण जो कमियां होती हैं, देखिए कानून को पहले लागू होने दीजिए, इम्प्लीमेंटेशन में जो कमी होगी उसको देखा जाएगा, उसको टाइम टू टाइम दूर किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात